नमस्कार, बीपी विश्वास खोज का तरफ से मेरा चैनल विष्णुपद विश्वास 9943। आज मैं नेशनल फ्लैग जातीय ध्वज के ऊपर में आपको सामने कुछ बात रखूंगा। द लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग सेरेमनी कैसे किया जाता है। हमारा बाघा बॉर्डर का नाम आप लोग सुना ही होगा। ऐसा आप भारत का डिफरेंट कॉर्नर्स में जहाँ बांग्लादेश नहीं तो पाकिस्तान का साथ हमारा जो बॉर्डर लाइन है उसी जगह में हमारा ये लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग सेलिब्रेशन होता है दोनों देश का तरफ से। तो इस बार आपको मैं लेके जाऊंगा त्रिपुरा अगरतला में, उधर हमारा बांग्लादेश का साथ एक बॉर्डर है। वो ब्रह्मबेरिया करके बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक माने सब डिस्ट्रिक्ट है अखारुआ। तो अखारुआ में हम लोग, हमारा इधर है अगरतला, उधर है अखारुआ, दोनों के बीच में हमारा बीएसएफ और बांग्लादेश राइफल्स का इस्टेब्लिशमेंट है, बॉर्डर है। उसी जगह से हमारा इमिग्रेशन भी होता है, हम लोग उसी जगह में ही जाऊँगा। और उधर क्या होता है, हर दिन हमारा लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग सेलिब्रेशन होता है। मैं आपको थोड़ा दिन पीछे लेके जाऊंगा, ये 2014 का बात है, 22 अगस्त हम लोग फंक्शन में अटेंड किया था लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग सेलिब्रेशन में। उस दिन हमारा त्रिपुरा का गवर्नर पी बालकृष्ण आचार्य साहब भी आए थे, शास्त्री आए थे, हम लोग भी एज ए विजिटर्स वो विटनेस किया था, साक्षी भी हुआ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। लेकिन एक चीज़ है, जो बाघा बॉर्डर में आप भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर में आप देखे होंगे, वो बड़ा गॉर्जियस तामझाम का साथ, लेकिन इधर हमारा बड़ा सिंपलिस्ट वे में होता है एवं बट इट इज़ वेरी कॉम्पोजिट। अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति और भौगोलिक अवस्थान के ऊपर में ये सब काम होता है। तो हमारा वो भी जैसा अच्छा लगा, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं चलता हूँ आपको लेके, और ये जो अनुष्ठान जो है ये 15 से 20 मिनट का अनुष्ठान होता है। और अनुष्ठान हमारा नेशनल फ्लैग को कैसा लोअरिंग किया जाता है, उसके बाद कैसा करके रखा जाता है सम्मान का साथ, वो आपको सामने मैं पेश करता हूँ। देखिए, चलिए एक बार साइट में जाते हैं, देख लेते हैं। ये हमारा इंडियन साइट से, हम लोग अभी अगरतला साइट का हूँ देख रहा हूँ। बहुत सारा व्यूअर्स उस दिन इकट्ठा हुआ था, बीएसएफ कंट्रोल कर रहा था। वो बीच में जो आप बाउंड्री लाइन देख रहा है, बैरियर देख रहा है, उधर यह है हमारा अखारुआ। उसका डिस्ट्रिक्ट है ब्रह्मबेरिया और हमारा इधर अगरतला। हमारा बीएसएफ जवान तैयार हो चुके हैं मार्च पास्ट के लिए। अब भी शुरू हो जाएगा लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग सेरेमनी। आलोचना करते हुए सीनियर बांग्लादेश साइड अभी देखिए, नीरवता भी एक भाषा है, फॉलो कीजिए।
दोनों देश के प्रतिनिधि सीनियर, आप उसमें बात करते हुए। बीएसएफ का एस्टेब्लिशमेंट भारतीय बीएसएफ जवान कुछ कवास के लिए तैयार आगे बढ़ रहा है। दूर में बांग्लादेश का गुमटी दिखाई दे रहा है। भारतीय बीएसएफ जवान तैयार, इधर बांग्लादेश भी रेडी है अपने ध्वजा अवतरण के लिए। नेशनल फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी फंक्शन शुरू हो चुका है। ध्वजा को धीरे धीरे नीचे उतारने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। ये एक विशेष प्रक्रिया है, सारा भारत में हमारा जवान लोग एक ही प्रक्रिया में ये काम करते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग धीरे धीरे नीचे आ रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। एक अभूतपूर्व दृश्य, आज ये दृश्य हम लोग सब साक्षी है। त्रिपुरा का गवर्नर मिस्टर पी बालकृष्ण आचार्य साहब शास्त्री को उपस्थित है। आज ये फंक्शन का स्पेशल गेस्ट आचार्य सभी है। राष्ट्रीय ध्वजा धीरे 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 नीचे आ रहा है। नीचे आ गया है।
हड़तालियों का घर घर हट से अनुष्ठान समाप्त कर तरफ आगे बढ़ रहा है। गवर्नर साहब निकल रहे हैं, साथ में उन्होंने परिषद वर्ग आगे पीछे आज हमारा साथ आप लोग भी एक मनोज्ञ अनुष्ठान देख पाए हैं। त्रिपुरा अगरतला में भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर में हमारा ये अनुष्ठान लोअरिंग ऑफ नेशनल फ्लैग हर दिन होते रहता है। गवर्नर साहब, आचार्य साहब निकल रहे हैं, अनुष्ठान एकदम अंतिम पर्याय में पीछे सबको नमस्कार। अगर ये अनुष्ठान आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल विष्णुबोध विश्वास 994 3। धन्यवाद।